इस तरह की बचकानी हम तक कर रहे हैं तो या तो हम माफी मांगे नहीं तो उनको सदा से निलंबित किया जाए अध्यक्ष महोदय। इसका बिना कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, बाहर करने वाले अध्यक्ष महोदय, इसके उनको माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो सदन से इनको निलंबित किया जाए अध्यक्ष महोदय। हमारे पूर्व किसने क्या कहा, इस माननीय सदस्य ने क्या कहा, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। इसके पहले माननीय सदस्यों ने क्या कहा मैं दोहराना नहीं चाहता। जो मैंने कहा ये रिकॉर्ड, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा, यदि सीपी सिंह ने आज सदन के अंदर जो कहा जिसके लिए लोगों को इतना तकलीफ है, यदि वो सत्ताधारी दल के सदस्यों को यदि तकलीफ है तो मैं अध्यक्ष पद ये चाहूंगा कि आप महाधिवक्ता से कोई भी न्यायाधीश से जो शब्द मैंने कहा है यदि वो असंसदीय होगा अध्यक्ष महोदय, बोलते हैं माफी नहीं मांगेंगे कम से कम उनके ऐसे निंदनीय आचरण के लिए ये सदन एक निंदा का प्रस्ताव ला सकता है जो आने वाले दिनों में अन्य सदस्यों के लिए नजीर बने। आपका फैसला कि सदन में अगर इस तरीके की बातें जिनसे किसी पक्ष की भावनाएं आहत होती हैं वैसा अगर कोई सदस्य करेंगे तो यह सदन उनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित करेगा। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर फोर्थ फ्लोर सर्कुलर रोड रांची।